फाइनल। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर का सूप। टमाटर सूप बनाने के लिए मैंने लिए ये दो तरह के टमाटर हैं। एक ये पहाड़ी टमाटर है, ये पहाड़ी टमाटर जो है थोड़ा लंबा होता है, इस तरह से लंबे में होता है, और देसी टमाटर जो होता है वो थोड़ा गोल होता है, बिल्कुल इस तरह से राउंड में होगा, इसकी पहचान है। ये थोड़ा खट्टा होता है और पहाड़ी टमाटर जो है ये मीठा होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं होता, मीठा होता है। इसमें हमें खट्टापन ज़्यादा नहीं लगता, इसमें खट्टापन ज़्यादा होता है। चलिए आज मैं बनाऊँगी पहाड़ी टमाटर के सूप बनाऊँगी। चलिए इसके इनको तो मैं एक तरफ कर देती हूँ, ये देसी टमाटर हमें नहीं चाहिए। सूप के लिए हम बनाएंगे पहाड़ी पापड़। पहाड़ी टमाटर को काट लेंगे इस तरह से, एक कोई थाली ले लें या कुछ भी ले लें, इस तरह से लेंगे हम। एक टमाटर के चार टुकड़े करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेना है। चार टुकड़ों में टमाटरों को, सारे टमाटरों को काट लेना है इस तरह से। देखिए टमाटर हमारे कट चुके हैं, इस तरह से हमने टमाटर को काट लेना है। अब हम लेंगे दो गाजरें, ये गाजर भी डालनी है हमने। गाजरों को लंबा लंबा काट लेना है इस तरह से, ताकि इस तरह से टमाटर के साथ अच्छे से गल जाए। दो टमाटर ले लें। गाजर डालने से क्या होता है, ये सूप जो है हमारा गाढ़ा बनेगा, इससे थोड़ा सा थिकनेस आएगी। और नहीं तो अगर जैसे गाजर आप ना डालें, चुकंदर भी डाल सकते हैं इस जगह, चुकंदर से कलर अच्छा आता है। कलर तो इससे भी, टमाटर आपके रेड होंगे, लाल लाल से टमाटर होंगे तो आपका सूप बिल्कुल रेड कलर का बनेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और गाजर डालने से, गाजर में विटामिन ए और स्किन के लिए बहुत अच्छा पाया होता है, ये विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए गाजर को भी इस तरह से काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को भी काट लेते हैं। देखिए गाजर और टमाटर हमारे अच्छे से कट चुके हैं। चलिए अब एक कुकर लेंगे, डाल देंगे, बॉयल करेंगे कुकर में डाल के। कुकर में जो है हमारी टमाटर है, गाजर है, बहुत जल्दी से पक जाएगी। इस तरह से देखिए टमाटर हमने डाल दिए। अब हम इसी के ऊपर डालेंगे अपनी गाजरें, ये जो गाजरें हमने काट के रखी थी, लंबी लंबी चॉप करके काट के रख दी थी। और हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा अच्छे से टमाटर और गाजर हमारी कुकर में डल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे, हमने ये चार लहसुन लेने। लहसुन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें लहसुन का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सूप में, इसलिए मैं चार, ये अदरक है, अदरक को थोड़ा सा डाल देती हूँ। अगर आप इसकी जगह एक हरी मिर्च डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। ये मैं हरी मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें इसमें। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा पानी, पानी हम उतना डालेंगे जिससे हमारी ये अच्छे से पक जाए, और हमारा पानी हमें ऊपर से डालना ना पड़े, जो हम सूप में पानी डालते हैं कच्चा पानी रहता है, तो इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लेंगे, ताकि ये हमारी अच्छे से गल भी जाएंगे और हमें पानी ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा। चलिए एक गिलास पानी मैंने डाल चुकी हूँ, इसमें एक गिलास पानी और डाल देती हूँ। देखिए एक गिलास पानी और ले लिया, वो भी डाल देती हूँ इस तरह से। देखिए अब मैं कुकर में ढक्कन लगा दूँगी इसको और रखूँगी गैस के ऊपर। दो बिसल आने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद, उसके बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा हमारा कुकर का प्रेशर, बिल्कुल निकल जाएगा और ठंडी हो जाएगी। उसके बाद गैस के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम कुकर को खोलेंगे। चलिए इसे खोल के देखते हैं कि हमारे टमाटर कैसे हुए। इस तरह से लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे। देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल गल गए, गाजर भी हमारी गल चुकी है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से आप लोग भी कुकर में बनाएंगे तो आपके भी बहुत अच्छे से ये सूप बनेगा। और सूप ये जो घर पे हम सूप बनाते हैं ना, तो ये बाज़ार से या हम शादियों में जाते हैं तब हमें ये सूप मिलता है। वो सूप में अरारोट वगैरह के डाल के गाढ़ा करते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ मिन लेंगे और इसको आधे, हमें पानी देखे क्यों है इसमें, हमने पानी इतना इसलिए रखा है क्योंकि हमें पानी अब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसी से, हमें अगर हमारा गाढ़ा है तो ठीक है, अगर पतला है तो हम इसे और पका लेंगे। चलिए अब हम इसमें डालेंगे, इस तरह से लेंगे, बड़ा जार लें आप इसके लिए,
बड़े जार में पीसे, हम पानी के सहित ही पीसेंगे, पानी के साथ में लेते जाएंगे। और पीसने के बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। इसके बाद मिक्सी में हमने ये पीस लिया, ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा पतला सा पीस गया, बहुत अच्छी तरह से भी पीस जाता है मिक्सी में, क्योंकि हमारा टमाटर और गाजर जो अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। अब हम लेंगे एक छन्नी ले लेंगे, इस तरह से छन्नी रखेंगे और ये हम अपना सूप इस छन्नी में छानेंगे, ताकि ये इसके बीज वगैरह हैं, छिलके हैं, वो सारा हमारी छन्नी में आ जाएंगे इस तरह से। और हम हिलाते हुए हमारा जूस अच्छे से निकल जाएगा, सूप बिल्कुल अच्छे, देखिए इस तरह से छन के। देखिए कितना कचरा हमारा निकला, ये छिलका है, बीज है, ये सारा हमारा इससे बाहर निकल चुका है। ये हम इसको फेंक देंगे, इस तरह से हम निकाल लेंगे दवा दवा के, ताकि हमारा सारा टमाटर का जूस इसमें आ जाए। इधर से नीचे से भी ले लेंगे, देखिए हमारा कितना अच्छा सा सूप बना है ये, देखिए इस तरह से। देखिए बिल्कुल हमें इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा पकाएंगे और हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा भी छन्नी में करके इसमें मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। सारा पीसने के बाद आपसे मिल दिखाती हूँ। देखिए ये हमने सारा छान लिया छन्नी से सूप अपना। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। देखिए मैं गैस की तरफ आ गई, गैस पे हमने रख दिया फ्राई पैन। फ्राई पैन में यह पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है और दुगना हो जाता है इसका टेस्ट, इसलिए काली मिर्च का पाउडर आप कभी भी स्किप ना करें, इसमें ज़रूर डालें। अब हम इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी चीनी, एक टीस्पून चीनी डालेंगे, क्योंकि टमाटर वैसे मैंने पहाड़ी टमाटर लिया है और वो भी थोड़ा सा खट्टा रहता ही है, पहाड़ी टमाटर भी खट्टा रहता है, ऐसा नहीं है कि खट्टा नहीं रहता। उसमें हम डालेंगे एक चम्मच अपनी चीनी लेंगे, ये डाल देंगे, इससे हमारा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और इससे हमारा सूप पीने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए सूप में हमारे उबाल आ चुका है, देखिए कितना बढ़िया सा पक रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया। और चुकंदर इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई कलर डालने की ज़रूरत है, बस टमाटर जो है हमारे लाल होने चाहिए और गाजर भी लाल होनी चाहिए, तो सूप में हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखना कितना बढ़िया हमारा सूप बना है, देखने में कितना खूबसूरत है, जैसे देखने में खूबसूरत है वैसे पीने में भी बहुत खूब अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट। देखिए एक मिनट हो गया है मेरे सूप को पकते हुए, अब हम इसको गैस को करेंगे बंद। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, सूप को सर्व करती हूँ। सूप हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, देखिए अब हम ये डालेंगे इन बॉल में, सूप वाले बॉल ले लें, उसमें आप सूप को डाल लें इस तरह से। देखिए कम लगे नमक डालें। अब हम एक सूप में डालेंगे अपनी मलाई, आप मलाई की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं, आपके को जो चीज़ स्वाद लगे आप वो चीज़ डाल सकते हैं। मैं इसमें मलाई थोड़ी सी डालूंगी, इस तरह से मलाई डालें। एक में हम डालेंगे ये अपने बॉल, ब्रेड के बॉल्स, इस तरह से। आप मेरा सूप कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर ज़रूर बताना कि सूप कैसा बनाया। नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में बेल आइकन को दबाते रहिए, ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूँ सबसे पहले आपके पास मेरी रेसिपी पहुँचे, ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिल